दोस्तों ये है अगारो आइकन बैगलेस ड्राई वैक्यूम क्लीनर। आज हम इसका कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज बीबू दत्त फ्रॉम साउ टेक्नो गाइड। अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों पहले मैं आपको दिखा देता हूं इसके साथ आपको क्या क्या एक्सेसरीज मिलता है। तो फ्रेंड्स, वैक्यूम क्लीनर के साथ आपको इतना ही एक्सेसरीज मिलता है, तो एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे पहले आपको यूजर गाइड मिलता है, दूसरा और एक पेपर डॉक्यूमेंट मिलता है जो कि उसका वारंटी कार्ड है। बैक साइड में आपको QR कोड दिया गया है, इसको स्कैन करके आप इसका वारंटी रजिस्टर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे उसका ब्रश चेक कर लेते हैं। जैसे आपको एक फ्लोर ब्रश मिलता है जिसको फ्लोर क्लीन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, या कभी भी अगर कारपेट को क्लीन करना है तो ये ब्रश को आप यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको एक मल्टीपर्पज ब्रश मिलता है एंड और एक आपको क्रेबिम नोजल भी मिलता है। तो नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, ये है उसका हॉस पाइप, जैसे ये जगह में आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको एक एक्सटेंशन पाइप मिलता है, तो ये एक्सटेंशन पाइप को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पुश बटन दिया गया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी जगह में एक एक थ्रेड दिया गया है। तो जितना हाइट आपको चाहिए उस हिसाब से आप छोड़ देते हैं तो ये लॉक हो जाता है। अगर ये हाइट में छोड़ना है तो लॉक कर सकते हैं आप यहाँ से। अगर फुल आपको ओपन करना है तो ये पाइप को आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से वैक्यूम क्लीनर का क्लोज लुक आप देख सकते हैं। जैसे ये उसका हैंडल है, यहाँ से आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो ये उसका फ्रंट साइड है, यहाँ पे हमारा हॉस पाइप लगता है एंड ये बैगलेस है। जैसे कि नॉर्मली वैक्यूम क्लीनर वगैरह में एक बैग रहता है, डस्ट बैग, तो डस्ट बैग फिल्टर करके आपका डस्ट वगैरह को ट्रे के अंदर रखता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये बैगलेस है। तो इसमें एक छोटा सा जार दिया गया है, यहाँ से आप इसको प्रेस करके ये जार को आप निकाल सकते हैं। जैसे ये जगह में आप देख सकते हैं, इसका बैक साइड देखेंगे तो यहाँ पे एक हेपा फिल्टर दिया गया है। जैसे ये उसका मोटर सेक्शन है, तो ये हेपा फिल्टर प्रोटेक्ट करता है कोई भी डस्ट वगैरह जैसे मोटर के अंदर ना जाए, इसीलिए ये जगह में हेपा फिल्टर दिया गया है एंड जो भी डस्ट वगैरह रहेगा ये जार के अंदर रहेगा। तो जैसे ही डस्ट फुल हो जाएगा तो आप ये बटन को प्रेस करके इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं। तो ओपन करने के बाद आप डस्ट को बाहर निकाल सकते हैं। तो बंद करने के टाइम जस्ट आपको इसे क्लोज कर देना है। तो ये हेपा फिल्टर को भी आप क्लीन कर सकते हैं। जैसे सिंपल आपको यहाँ से निकालना है, निकालने के बाद ये हेपा फिल्टर को आप क्लीन भी कर सकते हैं, फिर से यहाँ पे आप इसको प्लेस कर सकते हैं। तो जब भी आपको ये जार लगाना है तो सिंपल आपको ऐसे लगाना है, उसके बाद प्रेस कर देंगे तो ये यहाँ पे सेट हो जाता है। तो ये जगह में देख सकते हैं आप मिनिमम एंड मैक्सिमम लिखा गया है। तो यहाँ से सक्शन पावर को आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपको जितना रिक्वायरमेंट है सक्शन पावर उस हिसाब से आप मिनिमम से लेके मैक्सिमम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये जगह में एक बटन दिया गया है वायर को रिवाइंड करने के लिए एंड ये उसका पावर बटन है। एंड बैक साइड देखेंगे तो ये जगह में भी आपको एक फिल्टर मिलता है। जैसे मैं ये सेक्शन ओपन करके दिखा देता हूँ, तो ये जगह में भी आपको एक हेपा फिल्टर मिलता है। तो यहाँ पे पुश करके आप इसको निकाल सकते हैं, क्लीन करने के बाद फिर से ये जगह में लगा के उसका हाउसिंग को आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। तो ये हॉस पाइप का क्लोज लुक भी आप देख सकते हैं ये जगह में। जैसे ये लॉक सिंबल दिया गया है, यहाँ पे अनलॉक सिंबल दिया गया है एंड दो साइड में दो थ्रेड दिया गया है। जिसे ये वैक्यूम क्लीनर में भी आप देख सकते हैं दो साइड में दो थ्रेड दिया गया है। तो सिंपली दो थ्रेड को ये जगह में लगा देना है, उसके बाद राइट साइड मूव कर देंगे तो ये लॉक हो जाता है। तो जब भी आपको अनलॉक करना है जस्ट आपको लेफ्ट साइड मूव कर देना है, उसके बाद ये अनलॉक हो जाता है। तो इसका जो डस्ट जार है इसको आप 100 ऐसे ऊपर भी निकाल सकते हैं एंड 100 इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं। दोस्तों ये एक ड्राई वैक्यूम क्लीनर है जिसमें आपको 1600 वाट का मोटर मिलता है जो कि 24 kPa का सक्शन प्रेशर जनरेट करता है। इसमें आप वेट गार्बेज को सक्शन नहीं कर सकते। तो ये वैक्यूम क्लीनर को मूव करना भी बहुत आसान है, कोई भी एंगल में अगर आपको मूव करना है तो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि इसका नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये जगह में 360 डिग्री का स्विवेल का एक व्हील दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छा मदद करता है इसको मूव करने के लिए। उसके साथ साथ नीचे की तरफ आप देखेंगे तो दो साइड में आपको दो रबर का व्हील मिलता है जो कि बड़ा साइज का है, तो इजीली आप इसको कोई भी एंगल में मूव करना है तो भी कर सकते हैं। तो ये वैक्यूम क्लीनर में आपको 5 मीटर का वायर मिलता है, तो वायर का प्लेसमेंट ये जगह में दिया गया है। जैसे यहाँ से आप वायर को बाहर निकाल सकते हैं। तो 5 मीटर का वायर है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको वैक्यूम के टाइम में, घर में कोई भी प्लग में इसको अगर आप लगा देते हैं तो पूरा घर के आप आराम से वैक्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे और एक प्लस पॉइंट है, जैसे कि नॉर्मली वैक्यूम क्लीनर में हम वायर को ऐसे वाइंड करके रखते हैं, बट यहाँ पे एक प्रोविजन दिया गया है सिंगल, ये जो बटन दिया गया है ये बटन को अगर आप प्रेस कर देते हैं
तो ये वायर को ये ऑटोमेटिक खींच लेता है। जैसे ये जगह में आप देख सकते हैं, मैं सिंगल ये बटन को प्रेस किया तो ये वायर को ऑटोमेटिक खींच लेता है। दोस्तों अभी वैक्यूम क्लीनर को हम टेस्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं उसका टोटल 5 मीटर का वायर को निकाल दिया हूँ, तो ये जगह में आप देख सकते हैं, जैसे ही आप वायर को फुल निकाल देंगे तो यहाँ पे एक रेड कलर का मार्किंग दिया गया है। मीन्स इसमें जो 5 मीटर का वायर है उसका लास्ट यहाँ तक है। तो जैसे ही रेड कलर का यहाँ पे सिंबल आ जाता है तो आपको उसके बाद इसको खींचना नहीं है। मीन्स आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ तक वायर जो है लास्ट है। तो पहले हम ये फ्लोर वाला ब्रश यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक बटन दिया गया, ये बटन को ऑन करते हैं तो ये ब्रश आ जाता है एंड नीचे एक प्लास्टिक आ जाता है, तो आराम से ये क्लीन कर सकता है। तो ये हॉस पाइप में भी डायरेक्ट आप ये ब्रश को भी लगा के यूज कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा हाइट चाहिए तो आप एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं। तो ये जगह मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मैं आपको बताया था ये उसका पावर बटन है, तो इसको जैसे ही आप प्रेस कर देते हैं तो ये वैक्यूम क्लीनर जो है ये स्टार्ट हो जाता है। तो वर्किंग के टाइम में भी आप सक्शन पावर को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इसको ऑन कर दिया तो उसके बीच में भी ये जो नॉब दिया गया है इसको मूव करके आप सक्शन पावर को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ये जगह में हम ये मल्टीपर्पस ब्रश को यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ पेपर वगैरह रखा हूँ तो ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इतना डिस्टेंस से भी ये पेपर को खींच लेता है। अगर यहाँ पे मैं सक्शन पावर को बढ़ाता हूँ तो दूर से भी ये खींच लेता है। अगर आप टच भी नहीं करते हैं तो भी ये खींच लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी आप सक्शन करेंगे तो सभी डस्ट ये जार के अंदर आता है एंड ये उसको घुमाता रहता है। इसीलिए ये मॉडल का नेम जो है साइक्लोन है। तो सभी डस्ट को ये ऐसे घुमाता रहता है एंड एक छोटा सा रैक है जहाँ पे डस्ट रहता है एंड बाकी पार्टिकल को ये ऐसे ही घुमाता रहता है। जैसे ये बेड में आप देख सकते हैं ये साइड में बहुत सारे डस्ट है, तो कोई भी अगर आप सामान देखेंगे तो उसका कॉर्नर वगैरह में ऐसे ही कचरा जो है जमा रहता है। तो वो जगह में आप ये क्रेबिक नोजल को यूज कर सकते हैं एंड सक्शन भी कर सकते हैं। मैं सक्शन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये जगह में देख सकते हैं ये बहुत ही क्लीन हो गया। मीन्स ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। जैसे ये सक्शन पावर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये बहुत ही पावरफुल है, तो हाथ ऐसे खींच लेता है। अगर आपको कारपेट भी क्लीन करना है तो ये ब्रश लगा के आप क्लीन भी कर सकते हैं, जैसे आप ये जगह में देख सकते हैं। अगर आपका घर में मॉस्किटो नेट भी लगा है तो भी आप उसको क्लीन कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कितना डस्ट मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, कितना डस्ट उड़ रहा है। तो अभी आप फर्क देख सकते हैं, ये एरिया एकदम क्लीन हो गया है, इसका साइड एरिया में थोड़ा सा गंदगी है। दोस्तों ये वैक्यूम क्लीनर का क्लीनिंग क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। अगर आपको एक परफेक्ट ड्राई वैक्यूम क्लीनर चाहिए तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो कंपनी ये वैक्यूम क्लीनर के ऊपर आपको 1 साल का वारंटी देता है। ये आपको amazon.in में 3,999 रुपये में मिल जाता है। तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं इसका बेस्ट परचेस लिंक दिया हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो ये वैक्यूम क्लीनर रिलेटेड अगर आपका मन में कुछ भी डाउट है, कुछ भी सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बहुत जल्दी उसका आंसर आपको दे दूंगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून।